लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। प्रतिवर्ष गणेश उत्सव हम उत्साह से और मंगलमय वातावरण में मनाते हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी है, इसीलिए घर घर में होने वाले गणेश पूजन के संदर्भ में हमें कुछ न कुछ तो मर्यादाएं आई है। इस संदर्भ में धर्मशास्त्र में एक व्यवस्था है आपद धर्म की। हमारे यहाँ अराजक हो, स्थलांतर हो, महामारी हो या युद्धजन्य स्थिति हो, ऐसी आपदाओं में धर्माचरण करने में बाधाएं आती है। इसलिए सनातन धर्म ने उस समय के लिए आपद धर्म बताया है। आपद धर्म यानी आपदी कर्तव्यो धर्मः, अर्थात आपत्ति में आचरण करने का धर्म। आज कोरोना महामारी के कारण सभी स्थानों पर एक प्रकार से प्रवास बंदी है, तो ऐसी स्थिति में भी आपद धर्म लागू है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो गणेश भक्त होते हैं उनके मन में एक प्रश्न आता है कि हम जब बाजार में जाते हैं तो हमें मिट्टी की जो मूर्ति है वो प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आज बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति ही मिलती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति है वो धर्मशास्त्र से सम्मत नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में रजतम प्रधान गुण होते हैं, तो उसके कारण उससे जो बनी हुई मूर्ति होती है उसमें गणेश जी की जो सात्विक पवित्र के होती है वो आकृष्ट नहीं होती है। इसलिए श्री गणेश मूर्ति चिकणमाती या शाड़ू की जो माती होती है उसके द्वारा बनानी चाहिए, ऐसा शास्त्र विधि है। स्कंद पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो सिद्धि विनायक व्रत बताया है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि सिद्धि विनायक की जो पूजा है वो अपनी क्षमता के अनुसार सोना, चांदी या मिट्टी के द्वारा जो मूर्ति है उसके बनानी चाहिए, और अन्य पदार्थ जो है तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अन्य पदार्थों में आता है, तो ऐसे गणेश मूर्ति बनाना योग्य नहीं है। जो धर्मशास्त्र में बताया है उसके अनुसार ही वो बनना आवश्यक है। अब हमारे पास पर्याय क्या है, तो मैं सभी को आह्वान करना चाहूँगा कि अपने घर में ही मिट्टी की 6-7 इंच की गणेश मूर्ति आप बना सकते हैं। यदि आपको मूर्ति बनाने में अड़चन है, कोरोना का संसर्ग आपके क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति में आप घर में जो आपकी मूर्ति है या गणेश जी का चित्र है उसका षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। यदि पूजन करते समय पूजा में प्राण प्रतिष्ठा विधि जो है उसको आपको नहीं करना है, क्योंकि यदि आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपको उस मूर्ति को विसर्जित करना आवश्यक होता है। बहुत सारे गणेश भक्तों ने हमें पूछा है कि जो बाजार से मूर्ति हम लाते हैं उसको हमने सैनिटाइज करने की आवश्यकता है क्या। आपका प्रश्न जो है वो स्वाभाविक है। आप गणेश चतुर्थी के एक दिन पूर्व यह मूर्ति ला सकते हैं और 12 घंटे घर में जो सात्विक स्थान है वहां अलगीकृत करके रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में वो मूर्ति कोरोना मुक्त हो जाएगी। मैं यहाँ आपको सूचित करना चाहूँगा कि आप मूर्ति को सैनिटाइज करने का प्रयास मत करें, क्योंकि सैनिटाइजर्स में अल्कोहल या रासायनिक द्रव्य होते हैं, उसके कारण मूर्ति का रंगभेद होने की संभावना होती है। बहुत सारे गणेश भक्तों ने हमें पूछा कि कोरोना महामारी के कारण ब्राह्मणों को घर में बुलाना उसमें मर्यादाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ स्थानों पर ब्राह्मण या गुरुजी ऑनलाइन माध्यम से पूजा बताने वाले हैं। इस प्रकार की ऑनलाइन पूजा योग्य है या अयोग्य है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी के जो संकट काल में हमारे यहाँ जाना आना लगभग कठिन है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन पूजा एक अच्छा पर्याय है। कर्मकांड में मंत्रों के उच्चार को और जो पूजा करने वाला है उसके ईश्वर के प्रति का जो भाव है उसको अत्यंत महत्व होता है। इसीलिए ब्राह्मण के अनुपस्थिति में यदि गणेश पूजन शास्त्रोक्त पद्धति में होने वाला है तो आप ऑनलाइन पद्धति से इस प्रकार का पूजन कर सकते हैं। हमने भी सनातन संस्था ने श्री गणेश पूजा और आरती यह मोबाइल ऐप विकसित किया है। आपको ये गूगल प्ले पर उपलब्ध है। इस ऐप में गणेश जी की विधिवत पूजा बताई गई है। आपके मोबाइल में इस ऐप को आप डाउनलोड कर अपने घर में ही गणेश मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। बहुत सारे गणेश भक्तों ने हमें पूछा कि कोरोना महामारी है, तो ऐसी स्थिति में मूर्ति विसर्जन के संदर्भ में क्या हमने पालन करना चाहिए। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि हम जिस तालाब के स्थान पर या जिस नदी के स्थान पर जाकर मूर्ति विसर्जन करते हैं वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ होती है। ऐसी स्थिति में वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लगभग कठिन हो जाता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हम गणेश मूर्ति जब घर में लाते हैं या विसर्जन करने के लिए लेकर जाते हैं, ऐसे स्थिति में हम कम से कम घर के व्यक्ति जाए। मूर्ति जहाँ हम विसर्जित करने वाले हैं वहाँ जो भीड़ का धोखा है उसको टालने के लिए शासन द्वारा जो मार्गदर्शक सूचनाएं दी गई है उसका पालन करें। और कोरोना संसर्ग के कारण हमें गर्दी के स्थान पर या भीड़ के स्थान पर जाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है क्या करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने घर में 6 से 7 इंच की लघु गणेश मूर्ति का पूजन किया है तो आप उत्तर पूजा के उपरांत घर के बाहर गणेश मूर्ति कर लेकर जाए। तुलसी वृंदावन के स्थान पर अथवा आपके आंगन में एक बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें मूर्ति विसर्जित करें। यदि आप सोसाइटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो वहाँ आपके घर में तुलसी नहीं होगी या फिर आपके घर में आंगन नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आप घर ही बड़े बर्तन में पानी रखकर उसमें मूर्ति का विसर्जन करें। मूर्ति पानी में पूर्णतः विघटित होने के उपरांत पानी और वो मिट्टी जो है वो शमी, रुई, ओदुम्बर, आप्टा, वड या पिंपल ऐसे सात्विक वृक्षों की जगह स्थान पर डालें। बड़ी गणेश मूर्ति यदि आपने घर में पूजित की है तो वो कुछ दिन के लिए आप देवघर के बाजू में या सात्विक स्थान पर रखें। उसकी कोई उत्तर पूजा के उपरांत पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको एक बक्से में या आच्छादन डालकर उसको दूर रख सकते हैं। और श्राद्ध पक्ष पूर्ण होने पर जब भीड़ नहीं होगी उस समय आप मूर्ति का बहते पानी में विसर्जन कर सकते हैं। संकट काल में हम सभी को सूचना देना चाहेंगे कि आप संभवतः छोटी गणेश मूर्ति ही आपने घर में पूजनी चाहिए, बड़ी गणेश मूर्ति को आपने टालना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी सूचनाएं हैं। आप सभी से मैं आशा करता हूं कि इस कोरोना आपातकाल में आप गणेश उत्सव उसी आनंद से और उत्साह से मनाएंगे। आप सभी को पुनः एक बार गणेश उत्सव की अनंत शुभकामनाएं देता हूं।